हेलो आर हाउल गुड टुडे वी आर डूइंग दैप्टर द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्र तट के जो प्लेन्स हैं समुद्र तट पे जो सिटीज हैं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे ओके okay? The central and southern parts of India are surrounded by seas on three sides the Arabian Sea on the west, the Bay of Bengal on the east. एंड द इंडियन ओशियन ऑन द साउथ मास ऑफ लैंड विच इजेड ओन थ्री साइडर इज कोल्ड पेनसुला ऐसा लैंड एरिया जो तीन साइड से वॉटर से कवर होता है उसको पेनसुला बोलते हैं दिस इज द एरिया ओके तो ये इंडिया का जो एरिया है दिस इज कोस्टल प्लेन्स एंड दिस इज कोल्ड पेनसुला ओके वेस्ट में अरेबियन सी है ईस्ट में आप देखोगे बे ऑफ बेंगोल है एंड साउथ में इंडियन ऑशियन तो ये जो पार्ट है आपका तीन साइड से वाटर से कवर है और इस पार्ट को नाम दिया गया है पेनिनसुला ऑल अराउंड द पेनिनसुला इज़ द कोस्ट पेनिनसुला के चारों तरफ ये क्या है आपके कोस्ट हैं यानी तट हैं समुद्र तट हैं अ कोस्ट इज अ प्लेस वेयर द वॉटर ऑफ द सी मीट्स लैंड कोस्ट ऐसी प्लेस होती है ऐसी जगह होती है जहाँ समुद्र का पानी है वो धरती के साथ मिलता है दे आर ऑल्सो मैनी आईलैंड इन द बे ऑफ बंगल एंड द अरेबियन सी और भी बहुत सारे छोटे छोटे आईलैंडस हैं बे ऑफ बेंगोल में और अरेबियन सी में एंड आईलैंड इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई सी आइलैंड क्या होता है जो चारों तरफ से हर साइड से पानी से घिरा होता है यानी सी में होती है ऐसी जगह जो चारों तरफ जिसके पानी होगा तो उस लैंडमार्क को क्या बोलेंगे आइलैंड The narrow coastal region on either side of Peninsular India between the Ghats and the Sea is called the Coastal Plains. Ghats, these are Ghats, this is Sea, in ki beach ka jo part hai usko naam diya gaya hai Coastal Plain ka. The Deccan Plateau is surrounded by narrow coastal plain on the eastern and the western sides. इसमें हम बात करेंगे डेकन प्लेट्यू की डेकन प्लेट्यू जो है वो नैरो कोस्टल प्लेन ऑन द ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड से कवर्ड है ऑन द वेस्ट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी ऑन द ईस्ट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बेंगोल दिस इज वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ओके द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फॉर्म ऑफ वी दैट एनक्लोज इज देंट्रल प्लेटिव रीजन ऑफ इंडिया वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट एक वी की शेप बनाता है और ये जो शेप है ये लैंडमार्क जो है इसको नाम दिया गया है सेंट्रल प्लेटिव रीजन ऑफ इंडिया ओके बोथ द प्लेन्स आर बोर्डर बाय द हिल्स ऑन वन साइड एंड द सी ऑन द अदर जो दोनों जो प्लेन है वेस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेन ये बॉर्डर किए गए हैं किससे घिरे हुए हैं एक साइड हिल से घिरे हुए हैं और एक साइड सी से यानी समुंदर से घिरे हुए हैं दीज प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी विच इज़ द सर्दन मोस्ट टिप ऑफ द पेनिनसुला और ये जो दोनों प्लेन्स हैं दोनों कोस्टल प्लेन हैं ये एक जगह पर मिलते हैं आपस में जिसको क्या कहते हैं कन्याकुमारी उस प्लेस को नाउ हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पश्चिम दिशा में जो समुद्र तट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे द स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द एज ऑफ द सैंडी डेजर्ट टू द सर्दन मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो वेस्ट साइड में यानी पश्चिम दिशा में जो प्लेन्स होंगे उनको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं इट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात एंड एंड सेट कन्याकुमारी कौन सी जगह से स्टार्ट होते हैं गुजरात टॉप से गुजरात से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी में एंड होते हैं द वेस्टर्न कोस्ट लाई इज वाइडर इन द नॉर्थ एंड इनक्लूड द पेनसुला एट कच एंड काथिवर ओके जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इनकी नॉर्थ में ऊपर से वाइडर में शुरू होते हैं और नीचे आते आते ये कम हो जाते हैं ओके या कच और काथीवर में कन्वर्ट हो जाते हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को गुजरात कोस्ट उसके बाद कोंकण कोस्ट एंड थर्ड इज मालाबार कोस्ट ओके okay? गुजरात कोस्ट यानी जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज गुजरात कोस्ट फिर मिडल में कोंकण कोस्ट और लास्ट जहाँ कन्याकुमारी में ख़त्म होता है वेस्टर्न कोस्टल दैट इज मालाबार कोस्ट फर्स्ट इज गुजरात कोस्ट गुजरात कोस्ट लाइज इन द नर्दर्न पार्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच एंड गल्फ ऑफ खम्बत् गल्फ ऑफ कच एंड गल्फ ऑफ खम्बत् के नर्दर्न पार्ट में लाई करता है नेक्स्ट इज कोंकण कोस्ट। द मिडल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दैट इज द कोंकण कोस्ट स्टार्ट फ्रॉम द गल्फ ऑफ़ खबत एंड स्ट्रेचेज अप टू द गोवा। कहाँ से स्टार्ट होता है ये जहां पर आपका फर्स्ट uh, कोस्ट था आपका वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात कोस्ट जहाँ आपका गुजरात कोस्ट खत्म होता है गल्फ ऑफ खम्बत में वहाँ से आपका कोंकण कोस्ट स्टार्ट होता है और ये खत्म कहाँ होता है गोवा में द कोस्टल लाइन इज़ नैरो एंड रोकी यहाँ की जो कोस्टल लाइन है वो बहुत नैरो और रोकी है पथरीली है लाइट हाउसेज हैव बिन बिल्ड टू वॉन शिप्स अगेंस्ट रॉक्स यहाँ पर बहुत सारे लाइट हाउसेज देखने को मिलेंगे जो शिप्स को जहाज जो हैं समुद्र में उनको वोन करने के लिए अगर कोई खतरा आ जाता है कोई पत्थर उनके सामने आ जाता है तो उनके वॉर्न करने के लिए उनको चेतावनी देने के लिए बनाए गए हैं द बिगेस्ट पॉट मुंबई इज लोकेटेड ऑन द कोकन कोस्ट इट इज रिच इन पेट्रोलियम और सबसे बड़ा पोर्ट जो है मुंबई पोर्ट ये कोंकन कोस्ट में ही आता है और यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मिलता है ओके okay? नेक्स्ट हम बात करते हैं मालाबार कोस्ट की मालाबार कोस्ट इन द सर्दन पार्ट एलोंग केरला द कोस्ट लाइन इज कोल्ड द मालाबार कोस्ट और केरला से जो लाइन स्टार्ट होती है कन्याकुमारी तक उसको नाम दिया गया है मालाबार कोस्ट का इट लाइज बिटवीन गोवा एंड कन्याकुमारी देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ लेगूंस ये लाइ करता है कहाँ पर गोवा और कन्याकुमारी के बीच में और एक बहुत लंबी लाइन है यहाँ बहुत सारे लैगून आप देखने को मिलेंगे यहाँ लैगून क्या होता है लैगून होता है इज अ साल्ट वाटर लेक और पोन दैट कट्स इट सेल्फ फ्रॉम द मेन सी एक छोटे छोटे तालाब टाइप में पोन टाइप में एरियाज़ होते हैं ठीक है तालाब होता है जो खारे पानी का होता है जो सी से अलग होता है ओके उसको लेगून आप बोलोगे तो इस कोस्ट में बहुत सारे लेगुन देखने को मिलते हैं एंड द लेगूस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रो कैनल्स और ये लेगुन जो है ये सी से कनेक्ट नहीं होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं छोटी छोटी कैनल से छोटी छोटी नहरों से दीज कैनल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और ये जो कैनल्स हैं ये नहरें हैं ये ट्रांसपोर्ट कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करना है इधर से उधर पहुँचाना है तो इन कैनल्स और लेगुन्स के थ्रू करते हैं कोची इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट और मालाबार कोस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कोस्ट कौन सा है इम्पोर्टेंट सी पोर्ट कौन सा है कोची द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सपीरियंस होट एंड हीड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर और पूरे साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है द मालाबार एंड द कोंकन कोस्ट रिसीव हैवी रेन फ्रॉम द मानसून जब मानसून स्टार्ट होता है तो मालाबार में और कोंकन कोस्ट में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है यानी बहुत तेज बहुत ज़्यादा बारिश होती है एज द वेस्टर्न घाट हेल्प द रेन टू फॉल क्योंकि इनकी हेल्प करते हैं वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है यहाँ पर तो इसके कारण कोंकन में और मालाबार में बहुत ज़्यादा बारिश होती है मानसून के टाइम द स्ट्रोंग मानसून विंड्स मेक द सी वेरी रफ और क्या करते हैं मानसून के जो हवाएं चलती हैं उससे सी समुंदर बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है इट इज़ डेंजरस फॉर द फिशरमैन एंड सेलर्स टू बी एट सी एट दिस टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है हैवी रेनफॉल होती है तो सी का जो पानी है वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ जो फिशरमैन जो फ़िशिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है इस टाइम में ओके अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की ईस्टर कोस्टल प्लेन the eastern coastal plains begin from west Bengal in the north and end at Kanyakumari. कहाँ से स्टार्ट होता है ये नॉर्थ में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से कहाँ तक कन्याकुमारी तक It passes through the coastal areas of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. कौन कौन से एरिया इसमें आते हैं ये ओडिसा उड़ीसा से पास आउट होता है और वेस्ट बंगाल से शुरू होकर फिर उड़ीसा फिर आंध्र प्रदेश फिर तमिलनाडु में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है चोड़े होते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिडेड इन टू टू पार्ट फर्स्ट इज नर्दर्न सरकार दैट इज नर्दर्न पार्ट और साउथ पार्ट को क्या बोला है सर्दर्न पार्ट को बोला है कोरोमंडल कोस्ट ओके Four major rivers, the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, and other smaller rivers, flow across this plain into the Bay of Bengal. बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कि चार मेजर रिवर हैं महानदी है गोदावरी कृष्णा कावेरी हैं और भी छोटी छोटी नदियाँ यहाँ से बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती हैं गिर जाती हैं द डेल्टज़ फोम्ड बाई दीज रिवर्स आर वेरी फर्टाइल जो भी डेल्टा बनाती हैं ये रिवर वो बहुत उपजाऊ होता है द महानदी डेल्टा इज फेमस फॉर इट्स रिच सीड्स एंड शुगर केन जो ये डेल्टा बनाती हैं महानदी रिवर से जो डेल्टा बनता है वो बहुत फेमस है क्या उगाने के लिए राइस उगाने के लिए ऑयल सीड के लिए और शुगर केन के लिए क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होती है एंड शुगर केन्स ये यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं कोलकाता चेन्नई पाराद्वीप एंड विशाखापट्टनम आर द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर ये बहुत फेमस सी पोर्ट हैं विशाखापट्टनम कोलकाता चेन्नई पारा द्वीप यहाँ फेमस सी पोर्ट हैं नाउ द टिप ऑफ द वी फी मींस जहां एंड होता है ये दोनों कोस्टल प्लेन जहां एंड होते हैं उसकी हम बात करते हैं द टिप ऑफ पेनसुलर इंडिया वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट इज कॉल्ड केप कोमोरियन जहाँ ये दोनों प्लेन दोनों कोस्टल प्लेन मिलते हैं आपस में उसको क्या नाम दिया गया है केप कोमोरियन। अ केप इज अ स्मॉल पीस ऑफ द मेन लैंड दैट जस्ट आउट इनटू द सी अनलाइक अ पेनंसुला विच इज अ लार्जर लैंडमार्स पेनसुला जैसा होता है वो बड़ा लैंडमोस होता है वी शेप में सी के जो लास्ट होता है लेकिन केप क्या होता है केप होता है लास्ट पॉइंट जो जस्ट सी से टच में होता है ओके तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन केप एंड पेनिनसुला केप कोमोरियन लास्ट पॉइंट है जहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपस में मिलते हैं द टाउन ऑफ कन्याकुमारी सिचुएटेड एट केप कोमोरियन और केप कोमोरियन में कौन सा टाउन है कौन सी सिटी है कन्याकुमारी इट ओवरलुक्स द मीटिंग प्लेस ऑफ द वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी द इंडियन ओशियन एंड द बे ऑफ बंगाल और ये सारा केप कॉमोरियन जो है ये मीटिंग पॉइंट है मीटिंग प्लेस है कौन कौन से पानी का अरेबियन सी इंडियन ओशियन और बे ऑफ बेंगोल तीनों का पानी जहाँ टच होता है द सेंट्स ऑफ द बीच हेयर आर फेमस फॉर देयर वेरिड कलर्स रेंजिंग फ्रॉम ग्रीनिश ब्राउन टू रेड और ग्रे ब्लैक यहाँ जो सेंट होती है वो अलग अलग कलर की होती है ग्रीनिश ब्राउन होती है कभी रेड हो जाती है कभी ग्रेइश ब्लैक हो जाती है This is the only place in India where you can see both sunrise and sunset over the sea. सिर्फ एक यही जगह है बच्चों इंडिया में जहाँ से आप दोनों चीज़ें सनराइज और सनसेट बहुत अच्छे से देख सकते हो समुंदर में डूबते हुए और समुंदर से निकलते हुए सूरज को आप देख सकते हो नाउ advantages टू इंडिया इन कोस्टल प्लेन से हमें क्या फ़ायदा है हमारे देश को इंडिया को क्या फ़ायदा है इट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज फॉर इंडिया टू हैव अ लोंग कोस्ट लाइन इंडिया को बहुत फ़ायदा है एक लंबी कोस्ट लाइन होने से शिप्स कैन देयर बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ गुड्स इन टू एंड आउट ऑफ द कंट्री कंट्री में कुछ लाना होता है कोई सामान या फिर एक्सपोर्ट भेजना होता है बाहर किसी देश में तो लार्ज क्वान्टिटी में हम भेज सकते हैं बाई शिप्स ओके शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड एटपोर्ट्स शिप्स का जो सामान है वो पोर्ट से ही लोड होता है और पोर्ट पर ही अनलोड होता है द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आर मुंबई कांडला, कोची एंड पंजी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड कोलकाता विशाखापट्टनम चेन्नई एंड पाण्डिचेरी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट तो ये यहाँ के फेमस कोस्टल लाइन के पोर्ट हैं जहाँ से जो सामान है गुड्स है शिप्स में लोड होता है और अनलोड होता है तो जितनी अगर लंबी कोस्ट लाइन होगी तो उतना ही ईजी हो जाता है पोर्ट करना सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना ओके द कोस्ट लाइन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर कैचिंग फिश फिश पकड़ने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोस्ट लाइन फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल लिविंग हेयर यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए फिशिंग बहुत इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है फिशिंग करते हैं वहाँ के लोग उनका व्यवसाय है ये बिसाइड्स दिस राइस ग्रोइंग सी फूड प्रोसेसिंग एंड सोल्ट मेकिंग आर सम अदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द कोस्टल प्लेन कोस्टल प्लेन यानी समुद्र तट के किनारे जो लोग रहते हैं एक तो वो फिशिंग करते हैं दूसरा राइस ग्रो करते हैं सी फूड प्रोसेसिंग करते हैं सी फूड को यूटिलाइज करते हैं या फिर सोल्ट मेकिंग इंडस्ट्रीज बनाते हैं ओके अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की द आइलैंड्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगोल एंड द लक्षद्वीप आईलैंड इन द अरेबियन सी आर पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया के बहुत फेमस आईलैंड हैं ये बे ऑफ बंगल में आपका अंडमान और निकोबार आईलैंड है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आईलैंड अंडमान एंड निकोबार आईलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ अबाउट थ्री हंड्रेड आईलैंड इन द बे ऑफ बंगल ये टू ग्रुप में डिवाइड है आपका 300 सौ आइलैंड को कवर करता है इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट्स कैपिटल इज़ पोर्ट ब्लेयर ये यूटी में आता है यानी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की और इसकी कैपिटल राजधानी क्या है पोर्ट ब्लेयर द सर्दन मोस्ट पॉइंट ऑफ द निकोबार आइलैंड इज कोल्ड द इंदिरा पॉइंट और जो इसका आइलैंड का लास्ट पॉइंट है सर्दन पॉइंट है उसको क्या कहते हैं इंदिरा पॉइंट ऑल दीज आइलैंड आर ऑन टॉप ऑफ अबमज माउंटेन रेंज और जितने भी ये आईलैंड हैं अंडमान एंड निकोबार के जो भी ये ग्रुप ऑफ आईलैंड है ये सारे एक सबमज माउंटेन रेंज एक माउंटेन रेंज है उसके ऊपर है उसके ऊपर दिखाई देते हैं ओके नाव हम बात करते हैं लक्षद्वीप आईलैंड की लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी एक छोटी सी यूनियन टेरेटरी है ये देर आर अबाउट थर्टी सिक्स टू फोर्टी थ्री आईलैंड इन द ग्रुप्स और ये ग्रुप्स में क्या कितने आइलैंड आते हैं ओनली थर्टी सिक्स टू फोर्टी थ्री यानी ये बहुत छोटा ग्रुप ऑफ आइलैंड है एंड इट लाइज इन द अरेबियन सी क्लोज टू द मालाबार कोस्ट कावरती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप और अरेबियन सी के बिल्कुल मालाबार कोस्ट में ये लाई करता है उसके बिल्कुल पास है और इसकी कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की कावरती दीज आइलैंड आर नोन एज कोरल आइलैंडस बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द हार्ड डिपोजिट्स ऑफ बॉडी कवरिंग ऑफ कोरल्स द मेन इंडस्ट्रीज हेयर आर फिशरीज टूरिज्म एंड शिप रिपेयरिंग ओके यहाँ पर क्या कोरल बहुत ज़्यादा मिलते हैं कोरल आप देखोगे समुद्री जीव होता है तो एक कोरल आइलैंड होता है क्योंकि यहाँ जितने भी डिपोजिट मिलेगा आपको वो कोरल की बॉडी मिलेंगे एक समुद्री जीव होता है पानी से जब समुद्र की जब लहरें पानी पर आती हैं धरती पर आती हैं बहकर तो वो कोरल्स को वहाँ छोड़ देती है तो यहाँ की जो भूमि है यहाँ की जो लैंड है वो बहुत उपजाऊ होती है यहाँ पर कुछ मेन इंडस्ट्रीज हैं यहाँ के लोग कुछ मेन उद्योग यहाँ पर बना रखे हैं उन्होंने जैसे फिशरीज फ़िश पालते हैं या फिर टूरिज्म अट्रैक्शन का ये पॉइंट है लोग यहाँ घूमने आते हैं एंड शिप रिपेयरिंग के छोटे छोटे कारखाने बनाए हुए हैं ओके बच्चों तो चैप्टर आपको समझ आया होगा इसको एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे Subtitles by the Amara.org community